आज का फर्स्ट वर्ड है मोच। मोच को इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेन, स्प्रेन। और आप बोल सकते हैं स्ट्रेन। नेक्स्ट वर्ड है सूजन। सूजन को इंग्लिश में कहेंगे स्वेलिंग, स्वेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है घाव। घाव को इंग्लिश में कहेंगे गैश, गैश। नेक्स्ट वर्ड है खरोच। खरोच को इंग्लिश में कहेंगे ग्रेज, ग्रेज। नेक्स्ट वर्ड है घूमड़ा। घूमड़ा को इंग्लिश में कहेंगे बम्प, बम्प। अब नेक्स्ट वर्ड है गुमटा। जो नीला भूरा निशान होता है गुमटा, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे ब्रूज, ब्रूज। नेक्स्ट वर्ड है जुखाम। जुखाम को इंग्लिश में कहेंगे कोल्ड, कोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है खांसी। खांसी को इंग्लिश में कहेंगे कॉफ, कॉफ। नेक्स्ट वर्ड है बुखार। बुखार को इंग्लिश में कहेंगे फीवर, फीवर। नेक्स्ट वर्ड है खराश, जो गले में हो जाती है। खराश को इंग्लिश में कहेंगे सोर थ्रॉट, सोर थ्रॉट। अब नेक्स्ट वर्ड है दस्त। दस्त को इंग्लिश में कहेंगे डायरिया, डायरिया। नेक्स्ट वर्ड है उल्टी। उल्टी को इंग्लिश में कहेंगे वॉमिट, वॉमिट। नेक्स्ट वर्ड है उबकाई। उबकाई को इंग्लिश में कहेंगे नौसिया, नौसिया। नेक्स्ट वर्ड है चक्कर। चक्कर को इंग्लिश में कहेंगे डिजीनेस, डिजीनेस। नेक्स्ट वर्ड है बदहजमी। बदहजमी को इंग्लिश में कहेंगे इनडाइजेशन, इनडाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड है पाचन या हाजमा। पाचन को इंग्लिश में कहेंगे डाइजेशन, डाइजेशन। अब नेक्स्ट वर्ड है जलन। जलन को इंग्लिश में कहेंगे इरिटेशन, इरिटेशन। नेक्स्ट वर्ड है घुटन। घुटन को इंग्लिश में कहेंगे सफोकेशन, सफोकेशन। नेक्स्ट वर्ड है खुजली या खाज। खुजली और खाज को इंग्लिश में कहेंगे इच, इच। और दूसरा वर्ड आप इसके लिए कह सकते हैं स्क्रैच। नेक्स्ट वर्ड है गलसुआ, जो विशेषता बच्चों की गर्दन पे होता है और इसमें क्या होता है, सूज जाती है बच्चों की गर्दन, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे मम्प्स, मम्प्स। नेक्स्ट वर्ड है खसरा या चेचक। इसमें रेड स्पॉट बन जाते हैं बॉडी पर और बॉडी गर्म भी होने लगती है, तो खसरा और चेचक को इंग्लिश में कहेंगे मीजल्स, मीजल्स। अब नेक्स्ट वर्ड है लकवा। लकवा को इंग्लिश में कहेंगे पेरेलिसिस, पेरेलिसिस। नेक्स्ट वर्ड है मुंह का छाला। मुंह का छाला को इंग्लिश में कहेंगे माउथ अल्सर, माउथ अल्सर। नेक्स्ट वर्ड है पेट का छाला। पेट के छाले को इंग्लिश में कहेंगे स्टमक अल्सर, स्टमक अल्सर। नेक्स्ट वर्ड है घमोरिया, जो हमें गर्मी में हो जाती है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रिकली हीट, प्रिकली हीट। और दूसरा वर्ड है इसके लिए हीट रैश। नेक्स्ट वर्ड है फोड़ा। फोड़ा को इंग्लिश में कहेंगे बॉइल, बॉइल। अब नेक्स्ट वर्ड है फुंसी। फुंसी को इंग्लिश में कहेंगे पिंपल, पिंपल। नेक्स्ट वर्ड है मुहासा। मुहासा को इंग्लिश में कहेंगे एक्नी, एक्नी। नेक्स्ट वर्ड है फफोला। फफोला को इंग्लिश में कहेंगे ब्लिस्टर, ब्लिस्टर। नेक्स्ट वर्ड है मवाद। मवाद को इंग्लिश में कहेंगे पस, पस। अब नेक्स्ट वर्ड है पेट दर्द। पेट दर्द को इंग्लिश में कहेंगे स्टमक एक, स्टमक एक। नेक्स्ट वर्ड है पीठ दर्द या कमर दर्द। पीट दर्द और कमर दर्द को इंग्लिश में कहेंगे बैक एक, बैक एक।